In this video, we will learn about break and continue statements. तो break और continue statement का हम अपने loop में कैसे use करते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले मैंने break statement आपको बताया जब भी हम switch case पढ़ रहे थे, है ना। switch के अंदर जब भी हम case डालते हैं तो हर एक case में break statement लगाया है, तो वो क्या करता है, उस केस को उधर ब्रेक कर देता है और बाकी के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जहां कंडीशन उसको मिल गई उसको एग्जीक्यूट किया और बाकी के केसेस एग्जीक्यूट होने से बच जाते हैं क्योंकि हमने उधर ब्रेक डाला है। ठीक है, अभी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूप में कैसे करेंगे ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो हम सेम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं जैसे हमने इसके पहले किया था। And we are taking one loop counter for, so let I is equals to 0, I less or is equals to, I am giving as 10 and I plus plus. ठीक है, ये मेरा loop counter हो गया। और इधर मैं करना क्या है, मुझे break डालना है कहीं तो। Okay, so if I am giving I is equals to 4, I want a break. ठीक है, ये क्या करेगा ये हम देखते हैं। ब्रेक कर दिया हमने उधर, जहां भी आई की वैल्यू 4 होगी उधर हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, द सेम थिंग। ठीक है, यस प्लस आई, ओके दैट वी आर प्रिंटिंग, और इधर हम डाल देंगे एक ब्रेक। ओके, और ये हमने कर दिया बंद। ठीक है, फॉर लूप भी बंद हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद वी विल प्रिंट इट। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट, ये हमने पहले भी लिखा था। सो एज यू कैन सी हियर जावास्क्रिप्ट लूप्स है और हम क्या देख रहे हैं, अ लूप विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो ये प्रिंट हो जाएगा उधर, अ लूप विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। तो होना क्या चाहिए, जब भी आई की वैल्यू 4 होती है उधर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल सी द रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट हम देखते हैं अभी इसका क्या रहा है, 0 1 2 3। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई लूप उधर ब्रेक हो गया और आगे के स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं हुए। ठीक है, कहाँ तक चलना चाहिए था ये लूप, 0 to 9 तक चलना चाहिए था क्योंकि लेस देन 10 है। कंडीशन क्या है आपकी, आई शुड बी लेस देन 10, तो 0 to 9 तक चलना चाहिए था, आपको पूरे वैल्यूज मिलने चाहिए थे। लेकिन हमने इधर एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई की वैल्यू 4 होती है तो हमें लूप में ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो उधर से लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब आई की वैल्यू जैसे ही 4 हुई तो ये 5 नहीं होगी, फिर लूप पूरा ब्रेक हो गया। ठीक है, सो आपके उधर प्रिंट क्या हो गया, द नंबर इज 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया ब्रेक का यूज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपके लूप में ब्रेक चाहिए, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द लूप, तो आप क्या करोगे, उधर ब्रेक लगा दोगे। ठीक है, ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अगर इधर ही मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज बताती हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा। ये तो था ब्रेक, कंटिन्यू क्या करेगा, जहां भी इसको i is equals to 4 मिलेगा वो कंटिन्यू कर देगा लूप को। ठीक है, तो क्या होगा ये हम देखते हैं, लूप विद अ कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखती हूं मैं इधर। ओके, एंड वी विल सी द आउटपुट। सो यू कैन सी 0 1 2 3 और 4 क्या है, 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 क्यों नहीं आया है, क्योंकि आपने उधर कंडीशन लगाई है कि इफ आई इज इक्वल्स टू 4 कंटिन्यू, सो क्या कंटिन्यू करेगा, ये लूप कंटिन्यू कर देगा, 4 को स्किप कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई तो लूप क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, मतलब आगे एक और इंक्रीमेंट किया और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको लूप को कंटिन्यू करना है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आप उधर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप आउटपुट देख सकते हैं दोनों का, ब्रेक और कंटिन्यू का, और इनको अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन यूज बोथ द स्टेटमेंट्स, ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यू। थैंक यू।